नमस्कार, आप सबको एस्ट्रोलॉजर सक्सेस में स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मंगल पंचम भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और नवां भाव का चर्चा करेंगे। पहले हम मंगल के कारक तत्वों का चर्चा करते हैं। मंगल भाई है, मंगल बिजनेस है, मंगल पार्टनर है, पटना मंगल लड़ाई झगड़ा है, मंगल खून है, मंगल गोली बारूद है, पराक्रम है। मंगल से शरीर में ऊर्जा रहता है, ऊर्जावान रहते हैं लोग। अब हम चर्चा करेंगे मंगल पद क्या होता है, मंगल और अनेक मंगल क्या होता है। सूर्य शनि मंगल पद है, जिसकी भी कुंडली में सूर्य शनि का युति होगा वो मंगल पद है। मंगल बुध है वो भी मंगल पद है, शुक्र मंगल है वो भी मंगल पद है, बृहस्पति मंगल है वो भी मंगल पद है। सूर्य और बुध मंगल नेक है, सूर्य 3 और 6 भाव में हो वो भी मंगल नेक है, चंद्रमा 1, 2, 3, 4, 8 में हो तो वो भी मंगल नेक है, सूर्य 3, 6 में हो तो वो भी मंगल नेक है, सूर्य बुध मंगल नेक है, सूर्य शनि मंगल बल है। अब हम चर्चा करेंगे मंगल पांचवें भाव में क्या इनका बेस्ट रेमेडी है लाल किताब के अनुसार, जो उनको करना चाहिए। मंगल आपके अनसिस्टर के जो प्रॉपर्टी रहती है मेडिकल प्रोफेशन में जुड़ा होगा, और पांचवा घर का मंगल उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा पैसा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, अपोजिट सेक्स से परेशान रहेगा, हाईली डिजायर बन जाएगा। वह व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि वो नीम का पेड़ का सेवा करे आजीवन, तो वो थोड़ा लाइफ सुकून से जिएगा और ये सब डिजायर थोड़ा कम होने लगेगा। अब हम चर्चा करेंगे मंगल छठे भाव में कैसे रिजल्ट देते हैं। मंगल छठे भाव में बुध केतु से संबंध हो, छठे घर में मंगल नर संतान नहीं होने देता है, कर्जा भी हो सकता है। फिफ्थ हाउस में मंगल पैरों का प्रॉब्लम रहता है उनको, वैसे व्यक्ति को ना मीठा खाना चाहिए और ना खिलाना चाहिए। छठे घर के मंगल जब भी बच्चे जमीन जन्मदिन मनाए तो कोई ना कोई उशू लड़ाई झगड़े हो सकता है, या घर में कुछ भी हो सकता है, लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, आग लग जाएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। जिस भी व्यक्ति का मंगल छठे घर में होगा बुध का काम से नाम कमा सकता है, बुध रिलेटेड काम से। और जिस व्यक्ति का मंगल छठे भाव में हो, अगर बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं तो उस दिन आप सबको चाहिए कि बच्चे को बर्थडे को जन्मदिन में नमकीन बांटे, वो बेस्ट रेमेडी है। बच्चे की हेल्थ भी अच्छे रहेगा, हेल्थ इशू भी ठीक रहेगा। और एक और उपाय है कि भगवान गणपति देव का पूजा करें तो वो ज्यादा अच्छा है, उनका मंत्र जपे, मंत्र जपना अति श्रेष्ठ है, मंत्र जपे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपने बच्चे को कभी भी अपने पैसे से गोल्ड ना पहनाएं और ना ही अपने। छठे घर का मंगल सूर्य उच्च के समान फल देने लगेगा, अगर ये मेरी बात को आप लोग अगर अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब चर्चा करते हैं सातवें घर में मंगल शुक्र और बुध, पत्नी लाइफ पार्टनर से निरंतर मतभेद चलता रहेगा और हेल्थ के पत्नी का हेल्थ इश्यू आते रहेंगे। एक्सीलेंट मंगल आपके जो भी सोच रहे हैं वो हो जाए। लाल किताब में जिस जिस व्यक्ति का मंगल सभी भाव में हो जीवन में उसकी कोई भी इच्छा एक बार जरूर पूरी होती है। प्रॉपर्टी फाइनेंस रुतवा मंगल बुध के साथ समस्या होगा, मंगल मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए, इनका बेस्ट रेमेडी है, ना ही तोता पालना चाहिए। रेमेडी है कि अगर घर में बहन आए, ननद आए तो उसे मीठा देकर विदा करें, मंगलवार के दिन मीठा हलवा विष्णु भगवान को समर्पित करें। अब चर्चा करते हैं मंगल आठवें भाव में क्या मतलब रिजल्ट देते हैं, ये लाल किताब के अनुसार है। मंगल छोटा भाई की उम्र में आपको उम्र से 4 साल का अंतर होगा, ये अप्लाई करके देखिएगा। यंगर या 8 साल का भी अंतर हो सकता है, यंगर ब्रदर के लिए अच्छा नहीं है। यह व्यक्ति एक बार कमिटमेंट किया तो फायदे या नुकसान का नहीं सुनेगा, परमानेंट समस्या परमानेंट चिट फ्रेंड चिट करता रहेगा, अच्छा मंगल है वो नहीं करेगा। तंदूर की मिट्टी रोटी कुत्ते को डालने चाहिए, यानी इसका मतलब है कि जो रोटी बनेगी वह लोहे के तवा पर नहीं बनना चाहिए, नॉर्मल कुछ भी स्टील का बर्तन से बनाए, स्टील के तवे से बनाए और मीठे गुड़ डालकर बनाए तो अच्छा रहेगा।
अब चर्चा करते हैं नवे भाव में मंगल क्या रिजल्ट आते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, जिसका भी नाम मंगल नवे भाव में हो ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे और प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, अपने काम में लगाएंगे, जो मतलब प्रॉपर्टी रहेगा वो बढ़ते रहेगा, काम में उसी में लगाते रहेंगे। छोटा भाई की जो पत्नी हो उनको गुरु के समान ट्रीट कर दें तो आपके लिए बेस्ट रेमेडी है, या उनको या पिता की तरह तुल्य उनको इज्जत दें तो भी बेस्ट रेमेडी है। छोटे भाई का तीसरा घर सातवां घर फादर, नाइन्थ गुरु और नाइन्थ हाउस। नए भरे मंगल बिजनेस में जो करते हैं प्रोफेशन में, भाई की वाइफ को प्रोफेशन में लगा दें, मतलब अपने जो काम कर रहे हैं वही प्रोफेशन में अपनी भाई छोटे भाई की वाइफ को भी लगा दे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और उसका उपाय भी हो जाएगा। नवे घर में ट्रेडिशनल एथिक बन जाता है, मोरल क्वाइंस आ जाता है, आपका चरित्र कभी नहीं खराब हो सकता है। प्रिंसिपल ये रूल अप्लाई करके देखिएगा। एक रेमेडी और है उपाय, दूध और चावल का घोट धर्म स्थान पर रखिए 43 दिनों तक। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं ताकि आप मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।